ये जो बहन है किस कदर इन जले हुए चीजों के ऊपर जो है ये लिपट के बैठी है, कदर इस औरत को जो है इस मकान मालकिन को संभाल रहे हैं। ये भयानक तस्वीरें, ये दिल को टहलाने वाला जो आप इस वक्त मंजर देख रहे हैं। वोडीपोरा विलगा में आज और एक फैमिली बेघर हो गई है आग की वारदात से। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये गरीब जो फैमिली है ये बेघर हो गई है। इनका एक पेशेंट हॉस्पिटल में जेर इलाज है और ये लोग वहीं पे पेशेंट के पास चले गए थे और इस घर को जो है ताला लगा दिया था। उसको किडनी की प्रॉब्लम है, यानी कि गुर्दों की प्रॉब्लम है, वो भी सीरियस बीमार है। हॉस्पिटल में ही इनको खबर मिलती है कि आपके घर में आग लगी है, आपके आपका जो घर है ये जल रहा है। یاد بچت از بناین بچت زمین از اون کو زمین از کو ناو سیت از کو نون کنید بناین از مکان دیگه نیست از دو سور سور سه سور وای چه از دیگه از دو یاد باید رست رست از اون کنی یه ترمی دا یه دس پنج از پول است لادی نکی بچت از اون بچت سر دو دس ایم از میشه از دو سپس پان به شام از گوس سی آر هیچ کد از دو گس کتی نیست ایم از سپس پان از گو بچت دیگه ایم سیلف میهم دس پان जो इन्होंने मजदूरी मशक्कत की थी और ये चीजें खरीदी थी, आज यही चीजें जो है राख के ढेर में तब्दील हो गई। सात बजे फाक है त्रेश बनमत त्रेश कुछ बोच जहत दर्द सुन पे कुछ की खेम सुबह पे गोसा कौर सप कर अस्पताल पत हसैद अस्पताल बज ग मे पता लोगनार मे पत मज आई सुबह मे पता सुबह वे सोरे मकलमत कल जचते नचन कुछ ये नल रूद सोरे सुबह मकलमत हॉस्पिटल तथा बड़ा बेमार तमिस किडनी प्रॉब्लम तमिस पैरलाइज अक्स जाए नहीं कहीं कैदान मजूर कर मजूर बाप ये अगर कोई खुदा गज डी सी सोब अपील कर गवर्नमेंट अपील कर अगर तम बस करें मोब खुदा ये कि कर मदद कमल बिचार मजूर बा मजूर मशगत करोमत यह कोमत यह जमा थोड़ा बहुत घर बार बनोमत लकट लकट बच्चे इन कॉल चुन यह वो वन शाम वो खेन अड़ बज पे गो इन अथ सी वो खेन थोड़ा बहुत कि रिज तूद ना इन टोटल कहें बिचार मजूर कर घर बना वनस गो सोरे बर्बाद इन यह घर वे क्या कर अगर तुम गवर्नमेंट सबस वो थोड़ा बहुत इन गरीबन कर थोड़ा मदद वद वनस हाल मैदान मन कुस दी जाए। आज चिले कलान है, आज ठिठरती हुई सर्दी है, इस ठिठरती हुई सर्दी में इनके ऊपर छत नहीं है। ये बहन रो रो के बोल रही थी कि मेरे पास जो कपड़े लगे हुए बस यही बच गए और कुछ भी नहीं, बाकी सब चला गया। मसला ये हुआ कि हम सवेरे नमाज पढ़ने के लिए गए, जब मस्जिद शरीफ में हम नमाज पढ़ने के बाद निकल गए अपने घरों घरों में, तो यहाँ शोर शराब हो गया कि आग लग गया। जब हम यहाँ मौके पर पहुंच गए तो घर पूरी तरह से जल रहा था, तो हमने उस टाइम अपनी गाड़ी निकालकर फायर सर्विस इमरजेंसी को इतला दिए, वो मौके पर भी पहुंच गए, लेकिन आग इतना भयानक था कि इसमें बिल्कुल कोई सामान निकालने की गुंजाइश नहीं बची थी। ये पूरा मकान
چاروں طرف سے جل رہا تھا جو یہ گھر کے گھر والے ہیں محمد مقبول بٹ کا جس کا یہ مکان جل گیا ہے اس کی بھی اپنی گھر والی بیمار ہے اس کی دونوں کڈنی خراب ہے وہ زیر علاج ہندوارہ ہسپتال میں ہے تو وہ بھی جب یہاں پر آ گئے تو انہوں نے یہاں پر بالکل یہ مکان جلا ہوا تھا اس میں بالکل ان کے گھر میں مطلب جو اپنے پہننے کے لیے کپڑے ہیں وہ بھی نہیں نکل گئے یہ بہت غریب ہے ہم انتظامیہ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بھرپور مدد کرے